मित्रों, यह है हमारे गर्मियों के सुंदर फूल पर्सनल फ्लावर्स। ये सिमिलर टू 9 o'clock फूल की तरह होते हैं, दिन में खिलते हैं और रात को इनकी पेटल्स बंद हो जाती हैं। और ये दिखने में कुछ इस प्रकार होते हैं, मल्टीपल कलर्स में आपको मिल जाते हैं, येलो, पिंक, रेड, काफ़ी कलर्स में मिल जाते हैं, वाइट कलर में भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी जो सर्दियाँ आने वाली हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो इनका हाल कुछ ऐसा हो गया है, सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनमें से हम एक जो पौधा होगा उसको बचा के रख लेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट जो गर्मी आएंगी उसमें उसकी कटिंग के थ्रू प्लांट्स तैयार कर सकें। सारे पौधे प्रिजर्व नहीं करने, क्योंकि हमें सर्दियों के जो पौधे लगाने हैं उसके लिए भी गमले चाहिए, तो उसके मैं उस इस कारण मैं सारे पौधों को प्रिजर्व नहीं करूँगा। सिर्फ एक पौधा आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि कटिंग से आप मल्टीपल पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा गमला लिया है और इसी को मैं प्रिजर्व करने वाला हूँ। बाकी जो पौधे हैं तो उसमें मैं कोई सर्दियों का प्लांट लाऊंगा। अभी मेरे पास गेंदे के पौधे पड़े हैं, तो वो लगाने वाला हूँ इनमें मैं। तो इनको अभी इनमें मिट्टी की भी कमी है, देखें मिट्टी थोड़ा इसमें कम है, तो इस मिट्टी को बढ़ाने के लिए मैं करूँगा ये कि जो गमले के नीचे जो प्लांट है इसको मैं रख दूँगा, ऊपर से मिट्टी डाल दूँगा। और इससे होगा ये कि प्लांट सड़ के खाद में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे हमारी जड़ों को, पौधे की जड़ों को पोषण मिलेगा और साथ में हमारी मिट्टी की कमी को भी पूरा कर देता है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ज़्यादा पौधे नीचे ना डालें, क्योंकि अगर गमले में मिट्टी नहीं होगी सफिशेंट मात्रा में, तो जो हमारा पौधा होता है वो सड़ सकता है। इसलिए आपको थोड़े से ही पौधे के जो भी आप प्लांट डाल रहे हैं, पत्ते डाल रहे हैं सड़े हुए, वो जो कुछ भी डाल रहे हैं, आपको ज़्यादा मात्रा में गमले में नहीं डालना। तो इनमें मैं लाऊंगा गेंदा। मुझे लगता है आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, बट गेंदे का पौधा भी जो कटिंग से काफ़ी सुंदर तैयार हो जाता है। अभी ये जो गेंदे के पौधे हैं काफ़ी बढ़िया चल चुके हैं, ऊपर से फूल भी निकलने वाला है, तो इसी को हम ऊपर से काट के ऐसी जहाँ से काटेंगे जहाँ से 2-3 स्टेम निकल रही है उसके ऊपर से ही काटेंगे, ताकि जो हमारा पुराना वाला पौधा है, जो मतलब मदर स्टेम है वो वाला पौधा है, वो घना हो जाए और साथ में दूसरा पौधा भी आराम से तैयार हो जाए। तो ये देखिए हम यहाँ पे ऊपर से काट लेंगे, और देखिए ये वाला पौधा ये हमने कटिंग से ही तैयार किया था, बहुत ही सुंदर पौधा है। जो लाल लाल रंग के छोटे छोटे गेंदे नहीं होते, वो वाला पौधा था, ये गर्मियों में लगाया था, अभी तक इसको हमने बचा के रखा हुआ है। नहीं तो आपको पता है गर्मी वाले पौधे एकदम ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, नहीं चलते, लेकिन इसको हमने बचा के रखा हुआ है। अभी इसमें भी काफ़ी बढ़िया फूल निकल रहे हैं, तो इसको हम नॉर्मली हम मिट्टी में ऐसे लगा देंगे और पानी डाल देंगे। स्टार्टिंग में आपको इसको दीवार की साइड में कहीं ऐसी जा रखें जो सेमी शेड एरिया हो, जहाँ पे पूरा दिन धूप ना पड़े, क्योंकि अगर पूरा दिन इन पे धूप पड़ेगी तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो इसको हमने पानी डाल के हम इसको दीवार की साइड में रखेंगे, क्योंकि आप कभी भी कोई भी इस पौधे की नहीं, किसी भी पौधे की आप अगर आप कटिंग लगाते हैं, पनीर तैयार करते हैं, पनीर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो हम बीज से तैयार करते हैं उसको कहते हैं, तो उसको हमें ऐसी जहाँ पर रखना होता है जहाँ पे पूरा दिन धूप नहीं रहती, क्योंकि उससे पौधा ख़राब होने का डर रहता है। तो अभी एक गमला बच गया, तो इसको मैं फ़िलहाल तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास लगाने के लिए कोई पौधा नहीं है, तो इसको भी मैं अभी कट करके साइड में रख दूँगा। जब मेरे पास कोई पौधा आ जाएगा फिर मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगा। तो जैसे उसकी कटिंग की थी उसी तरह मैं इसकी कटिंग कर दूँगा। तो आपको इसमें सावधानी ऐसे बरतनी है कि इसमें आपने पानी बहुत कम डालना है, पानी अगर आपने ज़्यादा डाला तो ये पौधे गर्मियों वाले हैं, ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसमें आपने गोडी वगैरह कर देनी है, मिट्टी मोस्टली सूखी रहे, मतलब आपने हफ्ते में या 2 या 3 बार इसमें पानी डालेंगे तो इसके लिए सफिशियंट है इतना। और आपका वैसे पौधा मैं एक ही प्रिजर्व करूँगा, दूसरा मैंने ऐसे रख लिया है, और ऐसे आप इसका ध्यान रख सकते हैं। आपने इसको खुले में नहीं रखना, क्योंकि जब इसका ओस पड़ेगी तब ये पौधा ख़राब हो जाएगा। और हमारा डस्टबिन ख़त्म हो गया था वाला, जो हमने पौधे के लिए बनाया था, तो इसे दोबारा मैं तैयार किया, तो इसको तैयार करने में काफ़ी चोटें भी लग गई हाथ में मेरे, क्योंकि इसको मैंने बीज के ऊपर से फाड़ा था, इसके देखिए ऐसे चोट लगी है। तो इसमें हम जो हमारा गार्डन वेस्ट होता है वो डालते हैं, ताकि वो खाद में परिवर्तित हो जाए। और काफ़ी मेहनत लगी इसको तैयार करने में, देखिए कितनी ज़्यादा चोटें लग गई हैं। तो कैसा लगा आपको ये सारा कुछ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को अच्छा बना सकें और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें, प्लांट्स के रिलेटेड भी और चीज़ों के रिलेटेड भी। आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम और आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएँ।